या फिर मोबाइल पकड़े वक्त साथ में लिए घूम रहे हैं, पर हमारा ध्यान वक्त को छोड़कर दुनिया की हर चीज पर है। अब वक्त की ये खासियत कहूं या कमजोरी कि ये बीतता जरूर है, वो बीत जाता है और बहुत बार हम देखते रह जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये कर लिया होता, काश वो वक्त मैंने गवाया ना होता, काश उस वक्त को मैंने अपने हिसाब से चलाया होता तो जिंदगी कुछ और होती। ये काश वक्त का सबसे बेकार कतरा है, ये काश ही हमें आकाश छूने से रोकता है। इसीलिए आप में समय को समझदारी से इस्तेमाल करने की समझ हो, वरना जब आप समय को बर्बाद कर रहे होंगे तब समय आपको बर्बाद कर रहा होगा। साइंस के रिसर्च के हिसाब से एक इंसान की एवरेज उम्र 78 साल की होती है, और इन 78 सालों में हमारे पास सिर्फ 9 साल 6 महीने हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। बाकी के साल कुछ इस तरह से हैं: 30 साल सोने में, 3 से 4 साल एजुकेशन में, 10 साल रोजगार में, 9 से 10 साल एंटरटेनमेंट में, और 15 से 18 साल बाकी के जो भी काम है, जैसे खाना पीना या कोई भी रोज का काम करने में खर्च हो जाते हैं। यानी आपको लाइफ में जो भी कुछ करना है वो इन 9 साल 6 महीनों में ही करना है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाकर, कुछ लोग टीवी सीरीज देखकर, कुछ लोग इंस्टा फेसबुक स्नैपचैट पर, और कुछ लोग मिनी मिलिशिया क्लैश ऑफ क्लैंस खेलकर। आजकल टाइम वेस्ट करने के लोग नए नए तरीके याद कर ले रहे हैं। आजकल टाइम वेस्ट करने के साधन इतने हैं कि आपको खोजना नहीं पड़ता, ये साधन आपके पास खुद चल कर आते हैं। अब इन 9 साल 6 महीनों का आपने सही तरीके से यूज कर लिया अपनी जिंदगी में तो कामयाबी मिलेगी, तो आप जिंदगी में कमाल कर जाओगे। नहीं तो अगर ये मानते हो कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा तो आपकी जिंदगी ऑटो पायलट चलेगी। यानी आप कुछ कर नहीं रहे हो जिंदगी में, धक्के लग रहे हैं आपको वही चला रहे हैं। पर बुरी खबर ये है कि समय उड़ रहा है, और अच्छी खबर ये है कि तुम इसके पायलट हो। आपके पास वो ताकत है कि आप समय को बर्बाद होने से रोक सको, बचा सको। लेकिन हमें तो आदत पड़ चुकी है वक्त बर्बाद करने की। अगर आदत है तो बदलो, बहुत छोटी है ये आपके सपनों के सामने। नींद आ जाती है रात में, टाइम मिल जाता है टाइम पास करने का। क्या बनने का सपना देखा है भाई? ऐसा कौन सा सपना है जो सुबह जल्दी नींद नहीं तोड़ पाता? ऐसा कौन सा सपना है जो चैन से बैठने देता है? ऐसा कौन सा सपना है जो खून में जुनून बनकर नहीं दौड़ रहा? जो भी सपना है उसका पूरा करने के लिए आपको एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि रिजल्ट्स सोने से नहीं, सोचने से नहीं, एक्शंस लेने से मिलेंगे। और यही कारण है साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स करती है, ना कि सोचती है। दुनिया में वक्त से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, तो बंद करो इस कीमती समय को बर्बाद करना। क्योंकि आज नहीं तो कल आप ये जरूर सोचेंगे कि जिंदगी में भले ही कुछ और ना भी होता, पर काश थोड़ा वक्त और होता।